हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक बैग की दुकान हम लोग कैसे शुरू करेंगे। दोस्तों, बैग का बिजनेस एक सफल बिजनेस है और इससे कमाई भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि हर किसी को बैग की आवश्यकता तो होती ही है, चाहे वो बच्चे हो, कोई जेंट्स हो, लेडीज़ हो। किसी को हैंड बैग चाहिए, किसी को ऑफिस बैग चाहिए, किसी को ट्रैवल बैग चाहिए, तो किसी को स्पोर्ट्स बैग चाहिए। मतलब कि हर जगह बैग की आवश्यकता होती है। अगर आप ही अपने घर में देखिएगा एक नज़र डाल के, तो आप ही देखिएगा कि आपके ही घर में 3 से 4 बैग जरूर होंगे। तो इसी बात से समझ सकते हैं कि यह कितना ज़्यादा सफल बिजनेस है। तो अगर आप भी इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। हर एक चीज़ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि बैग का दुकान हम लोग कैसे शुरू कर सकते हैं, उसके लिए लोकेशन किस जगह होना चाहिए, शुरुआत में कितना पैसा लगाना पड़ेगा हम लोग को इस बैग का बिजनेस के लिए, मतलब कि बैग की दुकान के लिए कितना कमाई होगा, आखिर माल हम लोग कहाँ से लाएंगे कि हम लोग को सस्ता पड़ेगा, और इसके साथ हम लोग एक्स्ट्रा कमाई कैसे कर सकते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को देखिएगा तो हर एक चीज़ आप समझ जाइएगा और आप भी एक बैग का सफल बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो उसके बगल में घंटी आएगा उसको भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। स्टेप नंबर 1। तो दोस्तों, सबसे पहला हम लोग का दिमाग में ये आता है कि आखिरकार हम लोग बैग की दुकान अगर शुरू करना चाहें तो कहाँ पर शुरू करने से हम लोग का ये बिजनेस बहुत ही ज़्यादा चलेगा। तो देखिए, ऐसा आप कहीं भी शुरू कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप गांव में रहते हैं, वहाँ शुरू कर सकते हैं, किसी छोटे से शहर में रहते हैं वहाँ शुरू कर सकते हैं, और किसी बड़े शहर में रहते हैं वहाँ भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन गांव में हैं तो कहाँ शुरू करेंगे, किसी छोटे मोटे शहर में तो कहाँ शुरू करेंगे, और बहुत बड़े सिटी में हैं तो कहाँ शुरू करेंगे। तो एक ही जगह होगा उसके लिए, ठीक है। अगर आप गाँव में रहते तो आपके गाँव में आसपास में कोई भी तो मार्केट होगा, वहाँ आप इसको शुरू कर सकते हैं, मार्केट में ही चलेगा, ठीक है। आपके गाँव में अगर शुरू कर दीजिएगा तो नहीं चलेगा ये, इसलिए किसी मार्केट में शुरू कीजिए। गांव से थोड़ा सा दूर में, जैसे कि हर गांव में होता ही है थोड़ा बहुत मार्केट, छोटा मोटा ही सही, 50-60 दुकानें ही हो उसमें, लेकिन वहां पर आप शुरू करेंगे तो चलेगा, ज़रूर से ज़रूर चलेगा, क्योंकि बैग की आवश्यकता हर किसी को होती ही है। और अगर किसी छोटे मोटे सिटी में रहते हैं तो वहां भी आप मार्केट में शुरू कर सकते हैं, वहां भी चलेगा। या फिर कोई भीड़ भाड़ अगर जगह हो जहां पर कपड़ा का दुकान, जूते का दुकान और भी बहुत सारी दुकानें हैं, तो वहाँ पर आप शुरू कर सकते हैं, वहाँ भी चलेगा। और बड़े सिटी में हैं तो वहाँ भी आप मार्केट में शुरू कर सकते हैं, वहाँ तो ऐसे भी बहुत बड़ा एरिया में मार्केट फैला हुआ रहता है, तो कहीं भी आप शुरू करेंगे वो चलेगा, ठीक है। लेकिन गांव में एक मार्केट चाहिए, और एक छोटे मोटे सिटी में भी आपको मार्केट चाहिए, वहाँ पर शुरू कर सकते हैं, अच्छा खासा चलेगा। स्टेप नंबर 2, लोकेशन चयन करने के बाद अब आपको क्या करना है। तो आपने जहाँ पर लोकेशन चयन किया है तो उसके बाद आपको वहाँ पर क्या करना है कि वहाँ पर एक रूम आपको लेना पड़ेगा, और रूम जैसे ही आप लेते हैं तो उसका एग्रीमेंट आप ज़रूर से ज़रूर बनवा लीजिएगा, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके साथ ही आपको पेंट करवा लेना है रूम को, अगर पेंट नहीं है, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसको अच्छा प्रकार से पेंट करवा लीजिए, और उसमें अपना बैग का दुकान का नाम लिखवा दीजिए, और किस किस तरह के बैग आप रखेंगे अपने दुकान में वो भी दीवार पर लिखवा दीजिए, ताकि आसानी होगा ग्राहक को समझने में। स्टेप नंबर 3, अब हम लोग बात करते हैं कि बैग की दुकान के लिए हम लोग को किन किन सामानों की आवश्यकता होगी। तो देखिए, बहुत ज़्यादा सामानों की इसके लिए आवश्यकता नहीं है आपको, थोड़ा बहुत जो है बैग को टांगने के लिए आप कुछ सामान का जुगाड़ कर लीजिएगा, हुक जैसा कुछ लगा दीजिएगा, रस्सी में भी आप चाहें तो टांग सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है। हर एक बैग अच्छे प्रकार से दिखना चाहिए, और कुछ लगेज बैग होते हैं जिसको आप साइड में सजा सकते हैं, ठीक है। चैम्बर भी बनवा सकते हैं जिसमें आप बैग को सजा कर रखेंगे, जो लकड़ी का चैम्बर होता है उसको बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके साथ ही आपको लोगों को बैठने की जगह बनाना पड़ेगा, जहाँ पर आप लोगों को दिखाएंगे बैग की कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना है, इसके लिए आपको लोगों को बैठने का जगह देना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आप कुर्सी या बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी बढ़ई से बनवा लीजिए। उसके साथ ही आपको एक काउंटर चाहिए होगा, जहाँ पर आप बैठ के बिल बनाएंगे, पैसे लेंगे, वो सब काम करने के लिए आपको एक काउंटर चाहिए होगा, और आपके लिए भी एक कुर्सी चाहिए होगा। और अगर आप किसी बड़े सिटी में इसको स्टार्ट करें बैग का बिजनेस, मतलब बैग का दुकान, तो वहाँ पर आपको एक कंप्यूटर भी चाहिए होगा। अगर गांव के किसी मार्केट में स्टार्ट करें तो कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। उसके बाद अपनी ज़रूरत के हिसाब से और भी सामान आप चाहें तो इसमें लगा सकते हैं, वो अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। जो मेन चीज़ें था वो मैंने आपको बता दिया। उसके साथ ही आपको बिजली कनेक्शन चाहिए होगा, ठीक है, आप ज़रूर से ले लीजिएगा बिजली कनेक्शन आपको चाहिए होगा। स्टेप नंबर 4, बैग की दुकान अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके साथ और क्या कर सकते हैं जिससे हम लोग का कमाई थोड़ा सा और ज़्यादा हो जाए। तो एक काम और कर सकते हैं कि अपने पास आप टेलर रख सकते हैं, जिससे क्या कराएंगे कि बैग जो फट जाता है तो वो रिपेयर वो कर देंगे, ठीक है। इसके लिए एक टेलर को आप हायर कर सकते हैं, जो कोई भी बैग अगर लाता है जहाँ पर फट गया है या टूट गया है उसका कुछ भी, तो वो सील के या फिर कुछ करके उसका मरम्मत करके उसको दे देगा। तो इससे भी आप पैसे कमा सकते हैं, चाहे तो इस चीज़ को कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। स्टेप नंबर 5, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग को किस किस तरह का बैग रखना है। तो अगर आप किसी गांव के किसी मार्केट में शुरू कर रहे हैं तो आपको स्कूल बैग चाहिए होगा, ऑफिस बैग कुछ चाहिए होगा,
और कुछ ट्रेवल बैग चाहिए होगा, इतना में आप काम चला सकते हैं, इतना आपको चाहिए होगा। और कुछ लेडीज़ का पर्स जो होता है वो भी आप चाहें तो रख सकते हैं, वो भी आपका चलेगा, ठीक है। किसी मीडियम आकार के सिटी में आप शुरू कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको क्या करना होगा कि वहाँ पर आपको लगेज बैग चाहिए होगा, स्कूल बैग चाहिए होगा, ट्रैवल बैग चाहिए होगा, मतलब हर किस्म का आपको बैग वहाँ पर रखना पड़ेगा। तो वो सब आप लिस्ट भी निकाल सकते हैं गूगल से, आपको मिल जाएगा। स्टेप नंबर 6, अब हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार हम लोग बैग कहाँ से लाएंगे होलसेल में। तो होलसेल में बैग लाने के लिए आप किसी सप्लायर को पकड़ सकते हैं या फिर डायरेक्ट आप फैक्ट्री से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपके ध्यान में कोई फैक्ट्री ऐसा नहीं है जो बैग बनाता हो तो आप गूगल में इसको सर्च कर सकते हैं। आपको गूगल में बहुत सारी ऐसी सप्लायर मिल जाएंगे, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रियाँ मिल जाएंगी जो आपको होलसेल रेट में बैग दे देंगी। तो अगर ये भी आप नहीं कर सकते हैं तो आपको क्या करना है फिर, तो आपके आसपास में जो भी बड़ा सिटी हो, 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर में जो भी बड़ा सिटी हो, वहाँ पर आप जाके वहाँ से किसी अच्छे दुकानदार से आप बैग ले सकते हैं होलसेल में। वहाँ पर आपको क्या होगा कि बहुत ही कम दाम में बैग मिल जाएगा। अगर कोई बैग मान लीजिए 300 का है तो वो आपको 100 रुपये में भी मिल जाएगा और 50 रुपये में भी मिल जाएगा। ऐसे ऐसे क्वालिटी के भी बैग होते हैं जो आपको 50 रुपये में मिल जाएंगे, उसको आप 300 से 400 रुपये में भी बेच सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार के होते हैं, सारे बैग ऐसे तो नहीं मिलेंगे लेकिन कुछ कुछ बैग ऐसे होती हैं जो आपको इतना में मिल जाएगा और उसको अच्छे खासे दाम में आप बेच सकते हैं। आप इस बिजनेस में जैसे ही उतरते हैं तो आपको पता चलेगा कि कितना ज़्यादा इसमें प्रॉफिट है। किसी बैग को अगर मान लीजिए आप 100 रुपये में खरीदें तो उसको 200 रुपये में इजीली बेच सकते हैं। मोल भाव करके अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि आप कितना ज़्यादा उससे प्रॉफिट ले सकते हैं। स्टेप नंबर 7, अब हम लोग बात करते हैं एक ध्यान रखने वाली चीज़ का कि आप जब भी बैग का दुकान स्टार्ट करें तो एक बात आपको ध्यान में रखना होगा कि बहुत सारे ऐसे ग्राहक आपके पास आएंगे जो मोल भाव करेंगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो उनको थोड़ा सा मतलब आप मंडोली करके थोड़ा सा कम दाम में उसको दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा वहाँ पर पैसा आप कम ही कमाइए लेकिन ग्राहक को थोड़ा सा खुश रखिए तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हर ग्राहक तो आपसे मोल भाव नहीं करेंगे लेकिन कुछ कुछ ग्राहक ऐसे होते हैं जो मोल भाव करेंगे आपसे, ठीक है। तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको झुकना पड़ेगा, तो आप झुक के थोड़ा सा कम दाम में उसको बैग दे सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अपना लॉस नहीं करना है, भलाई करने के चक्कर में अपना लॉस कभी नहीं करना है बिजनेस में, ठीक है। स्टेप नंबर 8, अब हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस के लिए क्या कोई लाइसेंस मेरे को चाहिए क्या। तो ऐसे कुछ खास लाइसेंस नहीं है लेकिन एक आप क्या कीजिएगा कि अपने बिजनेस को रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, आपका जो दुकान होगा उसका रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। और हो सके तो गूगल मैप में उसको लिंक करवा दीजिएगा ताकि हर किसी को बैग की दुकान ढूंढने में आसानी हो और आप तक जल्दी से जल्दी कस्टमर पहुँच जाए, ठीक है। तो गूगल मैप में लिंक करवा दीजिएगा और अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन करवा दीजिएगा, अपने जिला स्तर के ऑफिस में जाके आप इसको करवा सकते हैं। स्टेप नंबर 9, अब हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम लोग को कितना पैसा लगाना पड़ेगा शुरुआत में। तो अगर आप गांव के किसी मार्केट में स्टार्ट करते हैं, मतलब आपके गांव के आसपास में जो भी मार्केट है वहां आप अगर शुरू कर रहे हैं तो वहां आपको कम से कम पैसे में आप इसको शुरू कर सकते हैं। कम से कम आप 50,000 में तो इसको शुरू कर ही सकते हैं, ठीक है, इतना में आप शुरू कर सकते हैं। और अगर आप किसी छोटे मोटे सिटी में हैं तो वहाँ पर आप 1,00,000 के अंदर में इसको चाहें तो शुरू कर सकते हैं, उतना में हो जाएगा आपका, ठीक है। 1,00,000 रुपया में आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं इजीली, कोई दिक्कत नहीं होगा। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है तो एकदम कंफर्म नहीं है कि 1,00,000 में ही हो जाएगा आपका, ठीक है। आपके एरिया के अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, आपका उधर काउंटर का कीमत कितना है, उधर माल किस हिसाब से आप ले रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको देखना पड़ेगा वहाँ पर। इसलिए 1,00,000 आप मान सकते हैं, इतना में आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऊपर नीचे होगा, कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ। अब हम लोग कमाई की बात करते हैं कितना होगा। तो देखिए, अगर एक दिन में आप 30 बैग बेचते हैं, ज़्यादा नहीं 30 बैग, इतना तो आप बेच ही लीजिएगा, ठीक है, कहीं भी हो तो 30 बैग अगर बेचते हैं उसमें 100 रुपये करके भी अगर हर एक बैग में आप कमाएं तो खुद आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आप कितना कमाएंगे। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि इस बिज़नेस में कितना ज़्यादा फायदा है, आप लोग समझ सकते हैं। दोस्तों, ये आइडिया आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट करके नीचे बताइएगा, और कोई भी अगर प्रश्न हो, सवाल हो, कुछ भी हो तो वो भी कमेंट कर दीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह के और भी वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे, ठीक है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।